हेलो गाइस। सो आज मैंने आरबीआई ग्रेड बी का जो प्रीलिम्स है उसका स्मार्ट केड़ा का मॉक फर्स्ट दिया है और टेस्ट करने की कोशिश करी है कि कितने क्या मतलब अभी मार्केट में है अपन या नहीं है। तो मैंने ट्राई करा था आज, तो मैं आपके साथ में मेरा स्कोर कार्ड शेयर कर देता हूँ। तो जो मैंने आज अटेम्प्ट करा जस्ट ही, और जो मेरा स्कोर है वो 67 आया, कुछ खास नहीं आया। हाँ, पर फिर भी ये है कि स्टार्टिंग इतनी कोई ख़राब नहीं हुई है। 82.5 कट ऑफ रखा था इन लोगों ने। 712 में से 94 रैंक है, 86.50% आई है। और ऐसा नहीं है कि ख़राब मार्क्स आएंगे तो शो नहीं करूँगा मैं, अब बिल्कुल शो करूँगा आपके साथ में। जब रिज़ल्ट शो कर सकता हूँ तो ये भी करूँगा। सेक्शनल बता देता हूँ, तो मैंने जो अटैम्प करे थे जी ए में, मेरा कोई ख़ास नहीं है अभी, ऐसे प्रिपेयर नहीं है। तो इसमें 20 कट ऑफ था, 27 आए हैं। जो मेरे अटेम्प्ट थे वो मतलब 60+ ही थे, कुछ ज़्यादा खास एक्यूरेसी है नहीं इसमें, इसको सुधारना पड़ेगा। 61% आया है। और क्वांट की बात करूँ तो बहुत वीक है, इसको तो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही रखा है इन्होंने, 5.5। तो मेरे 4 ही मार्क्स हैं, ढूंढ ढूंढ के करे थे क्वेश्चन, 4 करे थे, चारों करेक्ट है। इंग्लिश में तो इंग्लिश का 30 का सेक्शन था, मेरे अटेम्प्ट थे जो 20 थे, और जो मेरे मार्क्स है वो 18.50 है और 99.16% है इंग्लिश में। तो क्लर्क में जो हालत करी है उसको तो देखना ही पड़ेगा, सुधार लिया है इसमें थोड़ा। तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैंने कुछ ज़्यादा ऐसा मतलब स्ट्रेस लेके करा नहीं था, हल्का फुल्के में ले लिया था और ऐसे ही टाइम पास करते हुए दे दिया। 10 बार तो उठ के चला गया था पेपर से। तो इसमें मेरा टाइम करे थे 20 और 17.50, 81.88% है। टोटल 86% एल बना, 67 इसका परसेंटाइल है टोटल। हाँ, मतलब टोटल मार्क्स है मेरे। और अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो बहुत ख़राब एक्यूरेसी है, कोई ख़ास नहीं है। सो ये था मेरा जो भी था थोड़ा मोड़ा जो दिया हुआ था। अब मैं जब भी टेस्ट दूंगा ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ में। तो अभी मैं ग्रेड बी पे थोड़ा फोकस करने वाला हूँ। ये था पूरा वीडियो, उसको लेकर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।